देहरादून से 10 मीटर की पूरी दूरी पर कुंडिया के पास बाजपुरा गांव है सामने, वहाँ से हम सांप का रेस्क्यू करने आए हैं। देखने के लिए देखते हैं वहाँ जाके इस रास्ते पे बाजपुरा गांव आया है और ये गांव देहरादून तरफ जा रहा है और ये विश्वा की तरफ जा रहा है और यहाँ से सीधी दूरी पर जा रहा है बाजपुरा गांव के अंदर। तो हम देखते हैं कौन सा सांप है, खतरे वाला है खतरे बिना का, जो भी होगा इसको हम सही सलामत रेस्क्यू करेंगे। जय हिंद जय भारत। देख रेस्क्यू चैनल में आपका स्वागत है। हम देहरादून से पाँचपुरा गांव में सांप का रेस्क्यू करने आए हैं, देखते हैं कौन सा है खतरे वाला या खतरे बिना का, जो भी होगा इसको हम सही सलामत पकड़ कर जंगल विस्तार में छोड़ देंगे। हम इधर रसोड़े के अंदर आए हुए हैं और हमने देखा जो रोटी पकाने का चूल्हा है इसके अंदर कोबरा सांप है और ये सांप ये सांप जहरीला होता है। आप ऐसे सांप से सावधान रहिए वरना किसी को भी काटेगा तो इंसान की मौत हो सकती है। देखे खबर पड़ जाए खबर पड़ जाए साफ से जहरीली नागिन है। इस नागिन ने सुंदर मामा का भोजन किया है इसीलिए शांति से एक ही जगह पर बैठी हुई थी। आपन से तो मैं जॉइन कर दिया। उंदर खा दो। अरे तो बाप मार जो आदर तो हम जो चंदन जब ला। तो हम जो इज्जत हम बोले क्या मिलेगा इसलिए। इज्जत। हाँ। आपन है तो जो कंपनी ने जो जो। आपन से। दो से ढाई फुट लंबी नागिन है ये। अगर किसी को भी काट जाए तो कोई जंतर मंतर में आना नहीं, कोई भूमि पास ले जाना नहीं, सीधे हॉस्पिटल में ले जाना, तो आपकी जान बच सकती है। ये सुंदर मामा का भोजन किया है और शांति से चूल्हे के अंदर आराम फरमा रही थी और हम देहरादून से फटोफट 10 मिनट के अंदर यहाँ आ गए और जगह पूरा गाँव तो खेराल से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर हम बाजपुरा गांव में आए हैं और शाम का इस घर के अंदर से हमने रेस्क्यू कर लिया है। केराल से अभी बहन बोला स्पेशल सा पकड़वा माटे मारा रसोड़ा ने अंदर मारा सुला ने अंदर तो इंदिरा नु भोजन करेल तो अनु साप ने पकड़ पाड़े तो जंगल में सोर देसी बाजपुरा जी नागिन का रेस्क्यू किया है इसको हम जंगल विस्तार में छोड़ रहे हैं। चालू से जुड़े हैं
हमने इसको सही सलामत जंगल विस्तार में छोड़ दिया है। आभार जय हिंद जय भारत। ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।